कुछ औरतों को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है वक्त के बाद भी, जो हैज का दौर है उसके बाद भी होती है, उसके ताल्लुक से जिसे इस्तिहाजा कहते हैं, उलमा ने बताया है और हदीसें इस ताल्लुक से वाज़े मौजूद है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस्तिहाजा के अंदर रोजा नहीं टूटता और रोजा जारी है और वो रोजा मुकम्मल होता है अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है, जो एक्सेसिव है, जो वक्त के बाद भी है, यानी क्लिनलीनेस पाकी के दौर में भी हो रही है, तो जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसके अंदर हम देखते हैं कि रोजा रख सकती हैं वो, उनका रोजा उस वजह से टूट नहीं जाता।